नमस्कार, उत्तराखंड की इस खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। श्री गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शनिवार को वैशाख शुक्ल तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सुबह 7:31 पर खुले। इस अवसर पर मां गंगा की आरती हुई और जन कल्याण की कामना की गई। वहीं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बधाई दी है। कपाट खुलते ही पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भेजी गई भेंट स्वरूप धनराशि के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण चार धाम यात्रा स्थगित है, स्थितियां सामान्य होने पर चार धाम यात्रा शुरू हो सकेंगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज जिला अस्पताल गोपेश्वर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले दो दिनों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को कोविड-19 के बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उत्तराखंड कैडर के आईएएस रेंथिल पांडियन केंद्र में संयुक्त सचिव का पद संभालेंगे। केंद्रीय कार्मिक विभाग की जारी सूची के मुताबिक रेंथिल को आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। पांडियन केंद्रीय मंत्रालय में 5 साल की अवधि या अग्रिम आदेशों तक काम करेंगे। 2002 बैच के आईएएस पांडियन का अगस्त 2019 में केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन के लिए सूचीबद्ध हो गए थे। जसपुर के ग्राम भगवंतपुर में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को एक्सपायरी चना बेचना भारी पड़ गया। उपजिलाधिकारी जसपुर ग्रामीणों की शिकायत पर एक टीम गठित कर मौके पर पहुंच गए, जहां पर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता पाल सिंह द्वारा ग्रामीणों को गेहूं चावल के साथ चना बांटा जा रहा था, जो एक्सपायर हो चुका था। नायब तहसीलदार के नेतृत्व वाली टीम ने मौके पर पहुंचकर एक्सपायरी चने को जब्त कर गांव प्रधान के सुपुर्द कर दिया। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर भगवंतपुर के उनको मेरे कार्यालय में आते लिखित रूप से अवगत कराया गया कि उनके गांव का जो राशन डीलर है वो उनको एक्सपायर डेट का चना जिसमें घून लगे ना बिल्कुल सड़ गया, ज़बरदस्ती उनको दिया और उनके साथ मारपीट की। और उनके जो वितरित जो किट थी चने की 2 किलो की, तो कार्यालय में लाया। मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, तो नायब तहसीलदार ने मौके पर जाके जो मेरी टीम है पुलिस को जो संबंधित प्रभारी निशे कोतवाली उनके उसको भी मौके पर भेजा गया, तो 10 कट्टे पाए गए मौके पर। प्रत्येक कट्टे में जो एक कट्टे में उसमें 25 पैकेट हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि ये जो मई 2020 का जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री दाल पोषी की योजना थी पिछले कोविड की, उस टाइम के बने जिसकी एक्सपायर डेट 4 महीने की, जो सितंबर में उसकी एक्सपायर डेट होगी, तो राशन डीलर द्वारा कहा गया कि उसको जो पूर्ति निरीक्षक है उसके द्वारा 10 मई को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया, तो इसकी जांच कराई जाएगी। और ये भी मेरे संज्ञान में आया कि जसपुर क्षेत्र में इस तरह के और डीलरों के राशन डीलरों के पास भी एक्सपायर डेट का है, जो भी इसमें दोषी होगा संबंधित विभाग और जो इनका पूर्ति निरीक्षक है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना नामक घातक बीमारी ने पैर पसार लिए हैं, जिससे नगर पालिका परिषद के वार्ड में कई हादसे हो गए हैं। कई लोग मौत के आगोश में चले गए हैं। इसी को लेकर सरोवर नगर में पालिका प्रशासन की पहल में सुबह से ही पर्यावरण मित्र वार्ड में जाकर दवा छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। इधर राहुल और उसकी टीम ने बताया कि वह छुट्टी के दिन भी दवा छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को लेकर लोगों में पर्यावरण मित्र और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की काबिले तारीफ की जा रही है। ये हमारे नगरपालिका के पर्यावरण मित्र हैं, जो सुबह 6 बजे से सैनिटाइजर का कार्य कर रहे हैं। हम इससे पूछना चाहते हैं कि कितने अभी तक का वार्डों में हो चुका है। जी हाँ, आपका नाम? मेरा नाम राहुल। राहुल जी बताइए, आप कह रहे हैं कि हम सुबह 6 बजे से उठकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, आप अभी तक कितने वार्डों में कर चुके हैं? 4 टन लॉ चुके हैं अभी हम, स्टाफ हाउस हो आए हैं और अभी ये क्या बोलते हैं इसको, मार्डन वाली रोड है, मार्डन कॉटेज, मार्डन साइड, इसको भी वार्ड, हाँ इसमें भी वार्ड हो आए हैं, इसको भी वार्ड और स्टाफ हाउस, टांकी बैंड वगैरह। अच्छी है, टांकी बैंड भी हो चुका है सर, कल टांकी बैंड भी किया हुआ। छुट्टी के दिन भी कर रहे हैं, कल छुट्टी थी, कल भी किया हम लोगों ने। अच्छा, छुट्टी के दिन भी आप लोगों का कार्य चल रहा है? कल छुट्टी थी, ईद का छुट्टी थी, उसमें भी किया है कल। बहुत बढ़िया, आपका कार्य चल रहा है और जितनी आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उत्तराखंड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज ऑक्सीजन की दूसरी खेप लेकर हर्रावाला देहरादून पहुंची। राज्य को दूसरी खेप में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो विभिन्न जिलों को मांग के अनुरूप वितरित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किए गए सहयोग के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।